हाय फ्रेंड, अगर कम टाइम में कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन कर रहा है तो ये रेसिपी परफेक्ट रहेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी को बनाने में मात्र 5 मिनट लगता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा मिलाने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अब 2 हरी मिर्च को मैंने काट लिया था वो डाल दिया है। इसके साथ मैंने 2 बड़े प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया था डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। जब टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें 2 बड़े आकार के कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसे भी 2 मिनट भुनने के बाद 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने काट लिए थे उसे भी डालकर अब हम इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी और 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डाला है, और साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे मिलाएंगे और भूनेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए पका लेना है। हमें इसे ढकना नहीं है, खुले में ही इस तरह से मिलाते हुए पकाना है। जब ये पक जाए तो एक मैसर लेंगे और मैसर से इस तरह से हमें इसे मैस लेना है। तो हमारा लगभग ये भाजी बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत टेस्टी बना था। अब हम इसमें ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे साथ में हम इसे नींबू का रस भी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसमें से सारे मसाले को निकाल लेंगे। करीब 2 चम्मच मसाला इसमें छोड़ देंगे और 1 चम्मच बटर डालकर इसमें पाव को इस तरह से मिला लेंगे। हमें अच्छे से इसमें मिला लेना है। जब इसके नीचे से पूरा ये भाजी लग जाए तब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसमें ऊपर से जो भाजी बनाया था वो रख देंगे। हमें इससे अच्छे से इसके ऊपर रखना है। इस तरह से हम ऊपर से इसका एक पाव को इस तरह से रख के ऊपर से थोड़ा सा भाजी और डालेंगे। हमें इसे अच्छे से भाजी में लपेट देना है ताकि ये मसाला इसका पूरा अंदर तक जाए और ये खाने में बहुत टेस्टी लगे। ऊपर से कुछ धनिया पत्ता डालकर इसे हम परोस लेंगे। दोस्तों, ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि क्या बताऊँ। आप बार बार बनाना चाहेंगे। मात्र 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर इसे बनकर तैयार हो जाता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को 1 लाइक ज़रूर देना, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना।